60,000 से ज्यादा पदों के लिए निकली यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दी गई थी। इसके बाद योगी सरकार की खूब किरकिरी हुई। अब एक बार फिर परीक्षा कराने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच ये 3 पालियों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस बीच 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के साथ योगी सरकार की भी ये परीक्षा होगी और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने खास तैयारियां भी कर ली। प्रशासन इस बात पर पूरा ध्यान दे रहा है कि भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। तैयारी ऐसी कि पेपर लीक का तो सवाल ही नहीं उठता है। परीक्षा को सफलतापूर्वक कराए जाने के लिए बारीकी से निगरानी की जा रही, इसके लिए खास इंतजाम किए गए। इस बीच बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 20,000 अभ्यर्थी संदेह के घेरे में। इनके आधार कार्ड में दी गई जानकारी का डॉक्यूमेंट से मिलान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटे पहले इन छात्रों को सेंटर्स पर बुलाया है और वहीं इनका ई वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जिनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी मिलेगी उन पर कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है और ये सब सॉल्वर्स को रोकने के लिए किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सभी संदिग्धों को परीक्षा के दिन केंद्र पर सप्लीमेंट्री कागज जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट के साथ 2.5 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए। इन सभी का परीक्षा केंद्र पर EKYC किया जाएगा। इसके बाद ही इन्हें परीक्षा की अनुमति दी जाएगी। और तो और इन सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा के बाद भी स्क्रूटनी होगी। दूसरा हम दूसरे प्रिविलेज दे रहे हैं, उनकी KYC को चेक करेंगे। यदि KYC चेक हो जाता है तो लगभग बराबर ही उनको वापस हम लोग एंट्री तत्काल दे दे रहे हैं। यदि KYC में भी डिफरेंस आता है तो भी ये सुनिश्चित करना है हम लोगों को कि क्या ये वही परीक्षार्थी है जिसको भर्ती बोर्ड ने परीक्षा पत्र जारी किया है, क्या वही प्रवेश पत्र है जिसका केंद्र वास्तव में यही है, क्या यह वही व्यक्ति है। इसको स्थापित करने के लिए हम लोग पासपोर्ट की आइडेंटिटी देख रहे हैं, आधार और DL की आइडेंटिटी देख रहे हैं, जो भी सरकारी दस्तावेज हैं उसके आधार पे भी उसको देख रहे हैं। जैसे चुनाव में आप जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता, कोई आपको आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। यदि स्थापित हो गया कि नहीं, एकदम डिफरेंस हो गया कि राम मोहन है और परीक्षा देने आए हैं श्याम मोहन, तो साहब राम मोहन और श्याम मोहन की स्थिति में अगर राम मोहन का प्रवेश पत्र है तो श्याम मोहन को फिर पुलिस का से गुजारा जाएगा। दूसरी ओर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ पिछले 20 दिनों से 1541 ऐसे अपराधियों पर नजर रखे हैं जो पिछले कई सालों से पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसे कामों में इन्वॉल्व रहे। बोर्ड की तरफ से इन सभी की लिस्ट यूपी पुलिस को सौंपी गई है। इसके अलावा टेलीग्राम के लगभग 10 चैनलों पर सक्रिय ठगी के गिरोह की भी जानकारी यूपी पुलिस के साथ शेयर की गई। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड की तरफ से कैंडिडेट्स को ठगों से बचने के लिए सावधान भी लगातार किया जा रहा है। बता दें कि कैंडिडेट्स के टाइम मैनेजमेंट के लिए परीक्षा केंद्रों के कमरे में 17,000 दीवार की घड़ियां लगाई गईं। जानकारी के अनुसार इस बार कैंडिडेट्स को OMR शीट भरने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। वहीं नकल रोकने के लिए सभी अभ्यर्थियों का आधार सत्यापित किया जाएगा। एडमिट कार्ड यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं नकल रोकने के लिए 2 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जिसमें ADM और पुलिस के एडिशनल SP स्तर के अधिकारी शामिल हों। इसके अलावा बोर्ड की तरफ से हर जिले में ऑब्जर्वर जिसमें SP, ASP और डिप्टी SP रैंक के अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास जगहों पर परीक्षा के दिन यूपी पुलिस 112 की गाड़ियों को लगातार एक्टिव रहने और किसी भी आकस्मिक स्थिति में परीक्षा केंद्रों पर तेजी से पहुंचने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यानी साफ है कि इस बार योगी सरकार और प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहता है। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे NBT ऑनलाइन। नमस्कार।